अगली खबर पंजाब से है, जहां पर फिलीपींस में बैठे आतंकी अर्श डल्ला और उसके साथी मनप्रीत ने पंजाब पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। न्यूज 18 को एक ऑडियो भेजा गया जिसमें खुद को मनप्रीत बताने वाले एक आदमी ने यह दावा किया कि पंजाब पुलिस ने लुधियाना के जगराओं में हुए एनकाउंटर में गलत आदमी को गोली मार दी। जगराओं में हुए इस एनकाउंटर में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश जख्मी हो गया जबकि एक बदमाश फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक पंजाब के एक कारोबारी से आतंकी अर्श डल्ला और उसके साथी मनप्रीत के नाम पर 30 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी गई थी और जिसका पता चलते ही पुलिस ने पैसे लेने आ रहे बदमाशों को घेर लिया और फिर मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से एक बदमाश जख्मी हो गया। इस घटना के बाद न्यूज 18 को एक ऑडियो भेजा गया जिसमें खुद को मनप्रीत बताने वाले उस शख्स ने यह दावा किया कि जगराओं में पुलिस ने बेकसूर आदमी को गोली मार दी है, लेकिन उसने ये भी माना कि वो आदमी उसका साथी है। हालांकि न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। मनप्रीत बोलता वीर, ये अपने गाँव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गाँव से ही बिजनेस करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नहीं ला तो ते वीर एक गल कर नहीं, जिहड़ी अज जगरामी पुलिस ने गोली मारी आ बंदे दे ते उहनू साडे नाल लाया आ, वी सानू तां इस चीज़ का पता ही नहीं सीगा वी फरौती मंगी आ। ठीक आ, और एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर से मिल रही है जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है जिसमें एक इनामी बदमाश को गोली लग गई जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल पुलिस को इनामी बदमाश के अपने साथी के साथ इलाके में आने का इनपुट मिला था और जिसके बाद उसको घेरने का प्लान तैयार कर लिया गया और 25,000 के इनामी बदमाश को पकड़ लिया गया। आरोपी से अवैध हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। और इधर मध्य प्रदेश के छतरपुर में कई छात्र आपस में ही भिड़ गए और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया जिसमें वो बुरी तरह मारपीट करते हुए नजर आए। एक छात्र तो बेल्ट से भी दूसरे पर हमला करता हुआ दिखाई दिया। इस दौरान देखते ही देखते वहां भीड़ लग गई, लेकिन इसके बावजूद छात्र आपस में मारपीट करते रहे। कुछ लोगों ने उन्हें शांत करवाने की कोशिश भी की लेकिन वो नहीं माने और एक दूसरे से लड़ते रहे। हालांकि काफी देर के बाद वो शांत हो गए। बताया गया कि छात्रों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था जिसके बाद वो आपस में भिड़ गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में जेडीयू के अध्यक्ष शामिल नहीं होने वाले हैं। इस फैसले को लेकर जेडीयू अध्यक्ष ने कांग्रेस अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर शुभकामनाएं दी हैं। कांग्रेस ने एकजुटता दिखाने के लिए 30 जनवरी को कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में 24 विपक्षी दलों को आमंत्रित किया था, लेकिन जेडीयू की तरफ से नागालैंड में अपना एक राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने की बात कहकर टाल दिया गया। इधर छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बल ने एक बम को नष्ट कर दिया और जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सुरक्षा बल के जवानों ने गश्त के दौरान इस बम को बरामद किया था जिसे एक जंगल में ले जाकर नाकाम कर दिया गया, लेकिन जैसे ही वहां बम फटा पूरा इलाका तेज धमाके से गूंज उठा। सुरक्षा बल को गश्त के दौरान ये आईडी मिला था जिसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी बम निरोधक दस्ते को दी। मौके पर पहुंची बम निरोधक दस्ते की टीम ने उसे बेहद सावधानी से नष्ट कर दिया। इसके बाद सुरक्षा बल ने आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया ताकि अगर कहीं कोई और बम हो तो उसे भी नष्ट किया जा सके। न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून।